फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे थे तो हम स्टार्ट करते हैं फिर, है ना। सबसे पहले जो हमको दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए थे चैप्टर के सेंटर में, तो हम वो सॉल्व कर लें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, कोशिका की खोज किसने की और इसे किस उपकरण से देखा गया। कौन से पेज पे? पेज नंबर 66 पे। तो हमने पढ़ा था कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की है ना, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। देन सेकेंड दे रखा है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्यों होती है। तो इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि कोशिका से क्या होता है, हमारे जीवन के जितने भी कार्यकलाप होते हैं वह चलते हैं, इसलिए कोशिका को संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, CO2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर आते हैं, इस पर चर्चा करनी है। तो ये क्या होता है, पराश्रम तथा विसरण की क्रियाएँ होती है, तो ये आंसर हो जाएगा। देन दे रखा है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगमन झिल्ली क्यों कहते हैं। क्योंकि ये कुछ पदार्थों को अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को रोक देती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, वर्णात्मक पारगमन झिल्ली कहेंगे। देन क्वेश्चन दे रखा है हमको, क्या आप निम्न तालिका देखिए, हमको एक तरह से इस तरह से क्या दे रखा था, पेज नंबर 70 पर इस तरह से क्या दिया था, दो ब्रैकेट बने हुए थे और हमको प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना था, तो ये उसके अंतर कंप्लीट हो जाएंगे। कुछ प्लिंटर लेंस में दे रखे थे हमको, है ना। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, ये भी सॉल्व कर लिया, हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका कितनी बड़ी होती है, यूकैरियोटिक कितनी बड़ी होती है, इस तरह से हमने इनके बीच में भी डिफरेंस स्पष्ट कर दिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारे यहाँ पे हमको जो पढ़ना था, अब जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो पढ़ना है हमको कोशिका अंगक के बारे में। हमने कोशिका द्रव्य तक पढ़ लिया था, अब पढ़ना है कोशिका अंगक के बारे में। कोशिका अंगक क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है जिससे कि उसमें ऊपर से पदार्थ बाहर पर्यावरण से अलग रहें। वही है, हमने पढ़ा है कि कोशिका के चारों ओर क्या होती है, झिल्ली होती है, जिससे क्या होता है, कोशिका के जितने भी पदार्थ होते हैं वो बाह्य वातावरण से क्या हो जाए, दूर रहे, है ना। बड़ी जटिल कोशिकाएं जिसमें बहुकोशिकीय जीवों की कोशिकाएं भी शामिल है, को उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सके। ऐसे जीव जिन्हें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है ना, तो बहुकोशिकीय होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उन जीवों के लिए क्या होती है, जो उपापचयी क्रियाएं यानी जो भी उनकी क्रियाएं होती है उनको करने के लिए क्या होता है, उनको बहुत जटिल जटिल कार्य करने होते हैं, है ना। तो वही है कि जिससे वे क्या कर सकें, जटिल संरचना जो उनकी है उसमें क्या सकें, कंटिन्यू कर सकें उसको, है ना, उसमें जितनी प्रोसेस होती है वो सही ढंग से कर सकें। इन विभिन्न प्रक्रियाओं की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं का उपयोग करती है ना। अब क्या होता है, जैसे एक कोशिका है उसके अलग अलग अंग है ना, और वो क्या करते हैं, अपने चारों एक एक झिल्ली रखते हैं जिससे क्या हो, पहली वाली दूसरी से ना मिल पाए और दूसरी वाली पहली से ना मिल पाए, है ना। तो इस तरह से वो क्या करती है, अपनी अपनी झिल्ली युक्त संरचनाएँ होती है। इन झिल्ली युक्त संरचना जो होती है उन्हें क्या कहते हैं, जैसे अलग अलग संरचना हो गई तो उसे क्या कहते हैं, कोशिका के अंगक होते हैं सारे, है ना। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ऐसा गुण होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग होते हैं, और ये गुण किस में पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोटिक टाइप की जो कोशिका होती है उसमें पाया जाता है, और यही है कि वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता, तो यही गुण होता है जो यूकैरियोटिक को प्रोकैरियोटिक से अलग करता है। हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था, हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने केंद्रक के बारे में पढ़ा था। अंतर्देवी जालिका, गॉल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइक्रोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड तथा रजानिया कोशिका अंगों के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। इनका विचार हम करेंगे, इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा, पहले कुछ हमने मेन जो हमारे केंद्रक सभी तरह की कोशिकाओं में जो पाए जाते हैं उन तीन चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब हमको जो पढ़ना है कि कोशिका के और दूसरे भी वो बहुत सारे अंग होते हैं तो उनके बारे में पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अंतर्द्रवी जालिका, जिसे ER कहते हैं शॉर्ट में, उसके बारे में, ठीक है। ER जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। जो ER होता है यानी जो अंतर्द्रवी जालिका होती है वो क्या होती है, नलियों और सीट का एक बहुत बड़ा क्या होती है, तंत्र होती है। यानी किससे बनी होती है, नलियों से और सीटों से बनी होती है। ये लंबी नलिका गोल तथा आयताकार थैली की तरह दिखाई देती है। ये किस तरह से होती है, गोल होती है या और फिर आयताकार थैलियों जैसी ये दिखाई देती है। अंतर्द्रवी जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समान ही होती है। जो अंतर्द्रवी जालिका होती है हमारी, इसकी संरचना कैसी होती है,
प्लाज्मा झिल्ली के समान, प्लाज्मा झिल्ली जैसी होती है ना, पतली सी परत होती है, लचीली सी, है ना, ने पढ़ा था ना, तो ऐसे ही सेम क्या होती है, अंतर्द्रवी जालिका भी कुछ ऐसी ही होती है। अंतर्द्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका और चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। जो हमारी अंतर्द्रवी जालिका होती है वो डबल टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक खुरदुरी और दूसरी चिकनी, है ना। जो हमारी SRER यानी जो खुरदुरी वाली होती है ना, उसको सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर वो दिखती है खुरदुरी, इसलिए उसे खुरदुरी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राइसोसोम लगे होते हैं। और ये खुरदुरी क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या लगा होता है, राइबोसोम्स लगे होते हैं, राइबोसोम्स पर प्रोटीन संश्लेषित रहता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं उस पर क्या रहता है, प्रोटीन रहता है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य अंगों में भेज देती है। जो RER रहता है यानी जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका है, वो क्या करती है, आवश्यकता अनुसार हमारे जो कोशिकाओं में पाई जाती है, तो कोशिका में अगर आवश्यकता होती है किसकी, कोशिका द्रव्य की, तो ये जो RER है वो ER की सहायता से, क्योंकि RER जो है ना वो ER का ही पार्ट है, तो वो ER की सहायता से अगर कोशिका के किसी अंग को द्रव्य की जरूरत है, कोशिका द्रव्य की जरूरत है, तो उसको क्या कर देती है, पहुँचा देती है। अब जो SER होता है ना, कौन सी, चिकनी वाली, SER वसा तथा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। RER क्या करती है, अगर कोशिका द्रव्यों को क्या, कोशिका के अंगकों को द्रव्य की जरूरत है तो वो पहुँचाती है, और जो चिकनी वाली जो होती है वो क्या करती है, अणुओं को बनाने में सहायता करती है, ठीक है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और ये दोनों ही कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी हम कह सकते हैं कि जो अंतर्द्रवी जालिका है वो हमारी कोशिकीय क्रियाओं के लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है, और इस झिल्ली को बनाने में क्या क्या हेल्प करती है, कुछ वो प्रोटीन और वसा कोशिकाओं भी हेल्प करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं, और ये झिल्ली बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, झिल्ली जीवात जनन कहलाती है। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम हार्मोन की भांति कार्य करते हैं, यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में या विभिन्न रूपों में पाया जाता है ना, जो अलग अलग कोशिकाएं होंगी उसमें ER भी क्या रहेगा, अलग अलग होगा, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करता है। ER क्या हो सकता है, सभी कोशिकाओं में अलग अलग तो हो सकता है, पर ये ER क्या रहता है, सभी कोशिकाओं में क्या करता है, एक तंत्र का, मतलब इसका क्या काम होता है, कि जालिका तंत्र बनाना और कोशिका द्रव्यों का क्या करना, संचरण करना, तो यही होता है। जितनी अलग अलग कोशिकाएं होंगी उसमें ER अलग अलग हो सकता है, तो इसका काम क्या रहेगा, सेम ही होता है। इस प्रकार ER एक कार्य कोशिका के द्रव्य को विभिन्न क्षेत्रों तथा मध्य तथा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का होता है, यानी जो हमारा ER होता है उसका कार्य क्या है, कोशिका के सभी अंगों को क्या करना, द्रव्य पहुँचाना, कोशिका के अंदर द्रव्य पहुँचाना और कोशिका के केंद्रक तक द्रव्य पहुँचाना, है ना। तो इसका कार्य क्या होता है, द्रव्य का संचरण होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ER के बारे में पढ़ लिया। अब जो नेक्स्ट हमारा वो है गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण क्या होता है, जैसा कि आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। तो गोल्जी उपकरण के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, कैमिलो गोल्जी ने बताया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गोल्जी का उपकरण कहा जाता है। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका होती है, जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से रखी रहती है, यानी क्या होता है, गोल्जी उपकरण क्या होता है, इस तरह से पुट्टिका होती है कि वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से क्या होती है, रखी रहती है, इसलिए इसे क्या कहता है, जो एक दूसरे के ऊपर रखी रहना क्या कहलाती है, सब मिलकर क्या कहलाती है, कुंडली कहलाती है। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है, और ये जो झिल्ली रहती है यानी गोल्जी उपकरण जो रहता है, जो एक के ऊपर एक रखा रहता है, उनका सीधा कनेक्शन किससे होता है, ER से होता है, जो हमारा ER होता है ना उससे होता है इनका सीधा कनेक्शन। इसलिए जटिल कोशिका की झिल्ली के तंत्र दूसरे भाग को बनाती है, और यही हेल्प करती है कि ER के जो झिल्ली होती है उसके बनाने का कार्य करती है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। अब ER में जो पदार्थ बन रहा है ना, ER में क्या बन रहा है, हमारा कोशिकीय द्रव्य, उसको काय में संरक्षित किया जा रहा है गोल्जी उपकरण में, उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। यानी क्या है, ER में जो पदार्थ बना, यानी अंतर्द्रवी जालिका में पदार्थ बना, उसे कहाँ पर रखा जाता है, गोल्जी उपकरण में। और ये गोल्जी उपकरण क्या कहता है, जब जरूरत होती है तो क्या होता है, अलग अलग
क्षेत्रों में पहुँचाने के लिए गोल्गी से ही हमको क्या लिया जाता है, पदार्थ लिया जाता है। इस कार्य में शामिल पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना, और ये पुटिकाएँ जो होती है यानी गोल्गी उपकरण जो होती है उसका काम क्या होता है, संचयन करना यानी इकट्ठा करके रखना, उसको चेंज करना है ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए उसको रिजर्व करना होता है, कुछ टाइम क्या करना होता है, फिर उसको कोशिका के अलग अलग अंगों तक पहुँचाना होता है, तो उसका रूपांतरण साथ ही उसको क्या करना होता है, बंद करके यानी पैक करके रखना भी होता है। कुछ स्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्यतः शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को बनाया जाता है, और जो गोल्जी उपकरण होता है उसी की हेल्प से क्या कर सकते हैं, लाइसोसोम को बना सकते हैं। लाइसोसोम क्या होता है, कोशिका का एक दूसरा अंग क्या होता है, वो लाइसोसोम कहलाता है ना। कोशिका के अंदर ही पाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है, लाइसोसोम होता है। तो इतना हमने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, कोशिका के जो दूसरे अंग हमारे रह गए उनके बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।